चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 13 सितंबर 2020 को नीट एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद अभी भी काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट्स इस प्रकार से आ रहे हैं कि क्या ये 13 सितंबर 2020 नीट एग्जाम डेट कंफर्म है। तो मैं आपको बता देता हूं कि 13 सितंबर 2020 नीट 2020 एग्जाम डेट कंफर्म है और अभी इस एग्जाम डेट को एग्जाम होगा ही होगा। एनटीए तो 26 जुलाई 2020 को ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए पूर्णतया तैयार था, मगर काफ़ी सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पर ये एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड करना पड़ा। इस बात को आप सभी जानते हैं। दोस्तों किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए गवर्नमेंट और कंडक्टिंग अथॉरिटी को काफ़ी सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। ई नोट शीट के थ्रू अप्रूवल ली जाती है और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होती है। ऐसा नहीं है कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने जब मर्जी एग्ज़ाम डेट को पोस्टपोन कर दी और अपने मर्जी के मुताबिक न्यू एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी। क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ, इसलिए मेरे को ये सब पता है। ये सब एक प्रोटोकॉल के तहत मीटिंग में डिसाइड किया जाता है और ऑन पेपर अप्रूवल ली जाती है और उसी अप्रूवल के अकॉर्डिंग कंप्लाइंस की जाती है। एक बार एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने के बाद कंडक्टिंग एजेंसी को काफ़ी सारी तैयारी करनी होती है। उसका विजिट करता है, सेंटर को पेमेंट किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, इसके अलावा और सारी काफ़ी तैयारी करनी होती है। दूसरा पहलू यह है कि 13 सितंबर 2020 को एग्ज़ाम कंडक्ट होकर 1 नवंबर 2020 से क्लासें स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। 1 नवंबर से हो सकता है, ये 15 नवंबर से भी हो सकता है। इससे MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल स्टूडेंट के मात्र 3 महीने का ही लॉस होगा इसमें, क्योंकि MCI के न्यू करिकुलम के अकॉर्डिंग 1 अगस्त से क्लासें स्टार्ट होती हैं और MBBS फर्स्ट ईयर 13 महीने का होता है, जिसमें 1 महीना फंडामेंटल कोर्स होता है। 3 इंटरनल एग्ज़ाम होने के बाद सितंबर में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है और अक्टूबर से MBBS सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो इसको देखते हुए 3 महीने का ही लॉस है, जो कि ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि सारे कन्फ्यूजन सारे डाउट्स छोड़कर स्टडी में लग जाओ। अभी भी आपके पास 65 डेज का समय बचा हुआ है, आप अभी भी अच्छी मेहनत कर सकते हैं। वीडियो को यहीं फिनिश करते हुए मैं आपसे न्यू अपडेट के साथ में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।